चारों के इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी जो है वो चाहे कोई भी कैरेक्टर हो फिल्म में, जितने हमारे ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, सारे शाहरुख के पीछे दीवाने हैं। और जैसे आपने तक तो मैं पहुंचता नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में भी हो या कोई भी शाहरुख खान की भी फिल्म हो या शाहरुख हमारे शाहरुख की बात करें, तो सारे फिल्मों में ये डेफिनेटली क्लियर है कि सब शाहरुख के पीछे दीवाने। तो इस फिल्म में भी शाहरुख के पीछे ही सब दीवाने, इसीलिए शाहरुख में दर्द दिखता है। जो आप लाइन देखें वो बहुत ही इस फिल्म के लिए बहुत है। ट्रेलर रिलीज हुआ उसके एक दिन बाद तो हमें भी मैसेजेस आए थे, अग्नि को मैसेजेस आए, तब तक तो खैर इनका भी राहुल राम रघु और अमित तब तक जुड़े नहीं थे, लेकिन हम तीन जो है आदित्य कोको और मैं, हम लोग सबको बहुत सारे मैसेज आए फेसबुक ट्विटर पे, ये आप कैसे कर सकते हो, हमने हमें लगा था कि आप तो संत कबीरवाणी पे आप गाने लिखते हो, और आपने किसी पर्सनल रिमार्क्स आपने चूज किया कि शाहरुख खान के लिए वो भी, और काफ़ी सारे दूसरे खानों के हमें मैसेजेस आए कि बहुत बहुत बढ़िया। अभी तो हिंदी हिंदी सॉन्ग में आती, बहुत लोग कैनेडा यूके वहाँ से सबसे बाकी जो खान के फैन हैं उन्होंने मैसेज किया कि वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी बट यू विल स्टिल वॉच इट। जो भी हो रहा है, जितनी भी कंट्रोवर्सी हो रही है, जो एक्चुअल खान हैं, जितने भी खान हैं हमारे इंडस्ट्री में, वो सब इससे तो प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होते, और वो बहुत बड़े हैं सब चीज़ों से प्रभावित होने के, लेकिन फैंस उनके बहुत प्रभावित हुए। बहुत एक और मुहावरा है हिंदी में, जैसे मुहावरों के इतने सारे गाना बना दिया अब्बास जी ने, तो एक और मुहावरा होता है चाय से ज़्यादा केतली गरम। पूछा गया था कि आप इस गाने में आपने गाना गाया है, तो आपको कैसा कैसा है ये गाना। तो इन्होंने कहा फोन पे कि एक्चुअली फोन पे जो कहा वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन मैंने फिर वो इंटरव्यू पढ़ा तो लिखा है यंग भरा गाना, यंग भरा YOUNG-भरा। तो मैंने कहा ये राहुल, उसके बाद दो तीन दिन बाद थोड़ी धज्जियां उड़ी, कल ही इधर आए उसके बाद बोल रहे हैं यार, मैंने कहा था यंग भरा बोला है आदमी ने, अच्छा लिख देता हूँ। तो जिन लोगों को यंग का अर्थ समझ नहीं आता उनको बता दें, एक पॉलिटिकल सेटायर फिल्म भी और गाना भी, राइट। अरे के फिल्म के हिसाब से अगर आप विजुअल देखें, एक्चुअली ये गाना काफ़ी कोइंसिडेंस है, इत्तेफाकन ऐसा सिचुएशन आया कि अब्बास ने फिल्म देखी, अब्बास को सिर्फ सिचुएशन के बारे में पता था कि यार ये है, इस गाने के कुछ इलेक्शन से लेना देना है, पॉलिटिकल सेटायर है फिल्म तो आपको लिखना है। तो अब्बास ने फिल्म में तो पहले तो पॉलिटिकल सटायर और मुहावरे तो बहुत सारे जोड़े, लेकिन भैंस आ गया इसमें, चूहा आ गया, बिल्ली आ गया, बकरी तो थे, बंदर आ गया, और कहाँ गीदड़, तो इतने सारे एनिमल किंगडम को पूरे ले आए, मुर्गी और इंसान, प्लांट भी है, गेहूं भी, इंसान भी है, गेहूं भी, सब कुछ का मिलन इस गाने में, मतलब एवरीथिंग हैज बीन मिक्स्ड इन द सॉन्ग। बट जानकी जो डायरेक्टर हैं, जब उन्होंने गाना सुना और फिर उन्होंने फिल्म के साथ विजुअल्स उन्होंने मैच करने की कोशिश की, तो आप अगर वीडियो देखोगे तो हर विजुअल पे ऐसा लगता है कि विजुअल देख के गाना लिखा गया या विजुअल गाने को सुनने के बाद वैसे शूट किया गया, क्योंकि और ये कम्प्लीट कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जीनियस सा थॉट आया कि यार ये विजुअल्स ऐसे आने वाले हैं, या जैसे इसमें आप देखोगे कि जो इलेक्शन पार्टी है, तो दो पार्टीज हैं फिल्म में, जो एक पार्टी है उसका जो सिंबल है इलेक्शन सिंबल वो पैर है, वैसे फिल्म में उन्होंने ये सोच के बनाया था कि ये वो जो राम के पैर जो भरत चप्पल था, तो वो उसको सोच के उन्होंने बनाया था कि यार ये हिंदू पार्टी है इसका ये सिंबल होना चाहिए, लेकिन जब पैर नाड़ी ढूंढे कुल्हाड़ी आया और वो उस विजुअल पर बैठा तो कम्प्लीटली परफेक्ट एक मतलब आ गया, एक मंडी का बहुत सारे इमेजेस हैं जहाँ पे सारे जो बकरियाँ हैं उनको बेचा जा रहा है और सारे खरीदार वहाँ पे 2,000-3,000 रुपये दे रहे हैं, और वहाँ पे लाइन आता है ये दोबारा तुम्हें बकरियाँ, तो ऐसे काफ़ी सारे लाइन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फिट हो गया फिल्म को, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से तो बहुत ही क्लियर सा एक फिट हो गया, लेकिन वो सोच समझ के नीचे गया। दूसरी बात ये है कि बहुत जो व्यंग भरे जो गाने होते हैं या जो पॉलिटिकल गाने होते हैं उनको मस्ती से गाना चाहिए, अगर आप मस्ती से नहीं गाओगे ना तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, बड़ा सीरियस बात चल रहा है, बात सीरियस यहाँ पे है, पर अगर आप मस्ती से इसको गाओगे तो उसको सुनने में भी मजा आ जाएगा और समझ भी आएगा। ऐसा नहीं लगता है बाबा जी से दिखते भी, बाबा जी से बोलते भी हैं, क्रीची क्रीची नहीं, तो इट्स अ प्रमोशनल सॉन्ग पेड विद अलोंग विद प्रोमो, इट्स अ पार्ट ऑफ द फिल्म। फिल्म उनका एक्चुअली उनकी शुरुआत अब गाने बनने के बाद ये डिसीजन हुआ कि यार ये गाना एकदम परफेक्ट है टू स्टार्ट द फिल्म, तो जाके ने ये डिसाइड किया द फिल्म विल स्टार्ट विद दिस, पैरानाड़ी से फिल्म की शुरुआत होगी, दैट्स हाउ इट कम्स द फिल्म। बट या लाइक यू सेड, ये बहुत इंटरेस्टिंग बना सटायर है, बहुत सारी गहरी बातें बोली जा रही हैं इसमें, बट बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस, मतलब आजकल आपको जो सीन
हिंदुस्तान में नागरिक रहने के हिसाब से जो भी लग रहा है ना पॉलिटिक्स को लेकर, पॉलिटिशियंस को लेकर के, सिर्फ इलेक्शंस को लेकर के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही गाली दे रहा है गाना या बता रहा है कि यार वो सब खराब है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आपको भी लगता है कि यार क्या मैं क्या करके आ रहा हूँ यार, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है यार, जो चॉइस है मैं ये ए बी सी सारा ही एक जैसा है मामला, तो मैं कहाँ जा करके वोट दूँ फिर? लेकिन मैं वोट दूंगा, मेरे को लग रहा है मैंने वोट किया, मैंने अपने देश के लिए बहुत कुछ काम किया, लेकिन एक्चुअली वो भी दूसरे किस्म से कुल्हाड़ी है अपने पैर पे मारना, क्योंकि तुम अंधों में काना राजा ढूंढ रहे हो। और एक लाइन भी है ना, बेचूं अपने वोट फिर भी अपनी किस्मत को डांटूं, एक तो वोट बेच दिया फिर कह रहे नहीं मेरे कुछ होने रहा, मेरा कुछ होने। तो ये एग्जैक्टली आजकल जो हमारे मन में जो घूम रहा है ना कि हाँ पॉलिटिशियंस बाई एंड लार्ज, तो हमने ये कह दिया कि पॉलिटिशियंस लो लेवल है पूरा मामला, पॉलिटिक्स ही हमारे देश का बंटाधार है पूरा का पूरा, क्या है बंटाधार हो चुका है पूरा का पूरा, हमारे पास चॉइस ही नहीं है, कोई उतने अच्छे लोग हैं नहीं, हमें लग रहा है कि जितने बैठे हुए हैं वहाँ पार्लियामेंट में उसमें से 90% तो सारे खराब हमें लगता है, शायद होते हैं शायद नहीं होते, हमें होते हैं, होते हैं। चलो होते हैं भाई साहब, एक ही ब्रश में सबको ऐसे पेंट करना उतने अकलमंदी भी नहीं है, वो दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज इक्वली बैड। तो मगर जनता के हिसाब से भी इस गाने में कुछ कुछ अच्छी लाइनें हैं, इंटरेस्टिंग लाइनें हैं, कि जैसा रघु ने बताया कि वो वोट तो मैं अपना बेच देता हूँ उस वक्त के लिए ऑन द स्पॉट, वोट उसके बाद फिर मैं अपनी किस्मत को कोसता रहता हूँ, तो इट्स अ वेरी देखिए वोटिंग जो होती है हमारे देश में वो सीक्रेट बैलेट होता है, तो हम बताना ठीक नहीं होगा कौन किसे वोट करा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लाइफ में पहली बार वोट करूंगा इस बार, मैं दूसरी बात लाइफ में, बट पहली बार मैंने वोट किया था जब मैं स्कूल से जस्ट निकला था एंड फर्स्ट वोटिंग लिए जाया था, अब मैं दूसरी बार वोट, मैं हर इलेक्शन में वोट करता हूँ, ये देखो मैंने ऑलरेडी वोट किया है, लेकिन मेरा कैंडिडेट कभी भी जीता नहीं, तो ऐसे लगता है कभी कभी कि लोड़ा आपका कैंडिडेट ईमानदार है। हाँ, मुझे जिस चीज ने खींचा इस गाने की तरफ वो ये है कि बिल्कुल अभी जो इलेक्शन का चल रहा है हूबहू उससे मेल खाता है, बिल्कुल उस पर फिट बैठता है गाना। अगर आप, मैं बोलूँगा ना, आप गाना सुन लेना, आपको पता चलेगा किस किसके बारे में कौन से लेंगे। तो मैं सोचा कि हमारे आसपास जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको लेके गाना लिखना चाहिए, और वास्तविकता ये है, तो आप देख लीजिए आपको बंदर भी नजर आए, तो बस इनसे मैंने इंस्पिरेशन लेके गाना लिख दिया। नहीं तो चुनना पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है, बार बार गलत नेता को चुनना बिना ये सोचे समझे कि कौन सही है, किस वजह से वो इलेक्शन में खड़ा है, क्या कह रहा है, क्या करेगा, क्या किया है, इसमें से कुछ भी बिना सोचे समझे हम उन्हीं बातों में आके, उन्हीं वादों में आके, उन्हीं कम्युनल रीजंस की वजह से, पैसों की वजह से बिरयानी की वजह से, हाँ, यू नो, जब दारू की वजह से, मेरी कॉम, मेरा कास्ट, इन चीजों में जाओगे तो ये तो ये, हाँ, तो बेसिकली जो उन चीजों के लिए बार बार अपना वोट डालते हैं वो पैर पे कुल्हाड़ी मारते, वो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं, कुल्हाड़ी को उनके पता नहीं किस किस हिस्से पर मारते हैं। चिंद, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा ठीक ठाक, ये है बकरापुर एक फिल्म है, उसमें बकरे का रोल कर रहा हूँ, शाहरुख नाम है मेरा, ऐसे कुछ मेरा रोल नहीं है कुछ, बट मेरे जो परम मित्र हैं मोहन और कोको अग्नि के, वो उन्होंने म्यूजिक दिया है इस फिल्म के लिए, और उन्होंने मेरा कान खींच के बोला आजा गाना गा, मैं बोला ठीक है, और उन्होंने बोला साथ में इंडियन ओशन भी होंगे, मैं इंडियन ओशन का बचपन से फैन हूँ, हाँ मैं उतना यंग हूँ बचपन से मैं उनका, और अरे रुक जा रहे बंदे, मैंने कहा बड़े सीरियस और बड़े अच्छे आदमी होंगे ये लोग, मैं मिला इनसे और इस गाने की रिकॉर्डिंग में सारे भ्रम टूट गए मेरे, मेरा चाइल्डहुड थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया, लिटिल पीस ऑफ माई चाइल्डहुड डाइड, सो बट या दैट एक्सपीरियंस ढूंढे कुल्हाड़ी, वो गाना गाने के लिए मुझे बुलाया और मैंने आके गा दिया, इस गाने के शान में चार चांद लगा दिया मैंने, शाहरुख क्यों भाई, और शाहरुख में रब क्यों दिखता है, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही समझ में आया इधर शाहरुख में रब क्यों दिखता है और कैसे यहाँ शाहरुख में रब दिखता है, बट फिल्म का द होल स्टोरी ऑफ द फिल्म इज अबाउट दिस, दैट यहाँ शाहरुख में रब, कहानी बताऊँ जो आपने बहुत अच्छी तरह समझाई थी। हाँ बिल्कुल, तो एक्चुअली इस बकरे का एक्चुअल नाम शाहरुख है, मतलब जब लोग बकरियां रखते हैं वो बकरी को नाम देते हैं, और जब फिल्म बनाने वालों ने इस बकरी को चुना तब उन्हें पता लगा कि इस बकरी का नाम शाहरुख है। करेक्ट, और वो शाहरुख के नाम से ही रिस्पॉन्ड करता है, आप सोचिए कि बकरी को डायरेक्ट करना कितना मुश्किल होगा, तो एक्चुअली फिल्म का इंटीग्रल पार्ट है, जब मिला उन्हें ये बकरा उसका नाम ही शाहरुख था, तो वो रख लिया, और उनके पास चॉइस ये था कि या तो शाहरुख होता या फिर सलमान होता या फिर आमिर होता, क्योंकि सारे जो जहाँ पे वो कास्टिंग करने के लिए बकरे ढूंढने के लिए गए थे, वहाँ पे जितने ओनर्स हैं जिनके
बकरियां या बकरे थे वो सब नाम बकरों का ऐसे ही देते हैं, फिल्म स्टार के ऊपर ही नाम देते हैं कोई, और प्यार से देते हैं, प्यार से देते हैं और ऐसे ही बुलाते हैं, यार ये तो मेरा शाहरुख है, ये तो मेरा सलमान है। तो वो तो जानकी जो डायरेक्टर है, मैं बोल रही थी यार मैं शाहरुख नहीं रखती तो सलमान रख सकती थी, जो जो हमने बकरा चुना उसका नाम शाहरुख था, अगर वो नहीं चुनते तो सलमान को चुनना पड़ता या तो आमिर को चुनना पड़ता, और अगर किसी का भी हम लोग नाम रखते तो कॉन्ट्रोवर्सी उतना ही होता। तो फंडा बस वही है कि शाहरुख नाम का उन्हें बकरा मिला और उन्होंने उसी नाम पे फिल्म में भी उसी नाम से उसको रखा, और उसके बाद फिर आप लोगों ने खेला है उसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ, उसके बाद तो हम लोग थोड़ी ना छोड़ेंगे। कोको और मोहन हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम इनके साथ स्टेज पे बहुत बार परफॉर्म कर चुके हैं और हम इनको भी एक लाइव बैंड की तरह ही देखते हैं। बिल्कुल, जैसे ये भी हमें लाइव बैंड की तरह ही देखते हैं। अब बॉलीवुड का काम ज़्यादा करें कम करें उससे हमको कुछ खास लेना देना नहीं है। तो जब इन दोनों ने कहा कि हमने गाना बनाया जिसमें आप दोनों आके गा दो, हमने आगे पीछे कुछ खास पूछा नहीं, हमने कहा कि ठीक है यार मज़ा आएगा, अच्छे लोग हैं, अच्छा गाना बनाएंगे। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद पूछा भाई ट्यून क्या है? सीरियसली एक शुरुआत होती है गाने की, घटना ये घंघोर घटी है। तो इस सब में मैंने एक एडलिब ऐसा एक डमी गा के राहुल को सुना था, हमको बताया था कि एक गाना आप लोग सुन लीजिए, हम चाहते हैं कि आप लोग गाएं। तो उस वक्त तो हमें मालूम नहीं था गाना है कौन सा, क्योंकि अब फिल्म में ये लोग काम कर रहे हैं, फिल्म में ये लोग काम कर रहे हैं तो कोई भी गाना हो सकता है, इलू इलू भी हो सकता है, काम करते नहीं है तो हमें वैसे कोई हिचक नहीं हुई क्योंकि कोको और मोहन बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो इन्होंने हमें गाना सुनाया और गाने के लिरिक्स इतने अच्छे लिखे हुए थे कि हम लोगों को तो इंस्टेंटली एकदम ही अच्छा लग गया। बड़ा पूरी खतरनाक किस्म की पॉलिटिकल सटायर है इस गाने में और तो हम बस अगले दिन पहुंच गए। हमने एक्चुअली बहुत ज्यादा सोचा भी नहीं, हम जैसे अपना काम करते हैं वैसे ही आ गए, दोस्तों ने बुलाया था तो पहुंच गए और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा मजा आया। गाना इन्होंने जैसा गाया, जैसे राहुल और अमित ने जो मैं बोल रहा था कि काफी सीरियस मतलब सेट एक ट्यून था, तो मैंने कहा राहुल को ये एडलिब है आइडिया है तो ऐसा कुछ। तो राहुल अंदर गए, एक एक पूरा उन्होंने टेक किया, टेक खत्म करने के बाद उन्होंने कहा यार मोहन तूने जो गाया मैंने कुछ भी नहीं, यही करेक्ट है आप वापस आ जाओ, कॉम्पिटिशन हमारा थोड़ा गलत था, आपने जो गाया बिल्कुल करेक्ट, तो वही रखा। तो गाना वैसे ही बना है, ऐसा कुछ सोच समझ के ये नहीं बना कि यही ट्यून है ऐसे ही गा दो। प्लेबैक सिंगर को हमने बुलाया कि ऐसा एक आइडिया है उसको डिलीवर करो, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं, हम लोग में से कोई भी यहाँ पे प्लेबैक सिंगर के तौर पे एज अ करियर किसी ने भी नहीं लिया, ना रघु ने, ना राहुल ने, ना अमित ने, ना कोको ने, ना हमने जब इनको बुलाया था तो इसीलिए बुलाया था कि सारे अपने पर्सनालिटीज लेके आएंगे और इस गाने में बहुत ज़रूरी था कि अपनी एक एक्सप्रेशन हो और वो भरपूर है इस गाने में। आपको रघुराम बिना वीडियो देखे आपको समझ में आ जाएगा कि रघुराम कौन सा पार्ट गा रहा है, राहुल कौन सा पार्ट गा रहे हैं, अमित कौन सा पार्ट गा रहे हैं और मैं कौन सा पार्ट गा रहा हूँ। सो इट्स क्वाइट ईजिली रिकग्नाइजेबल, हर उनका एक्सप्रेशन काफ़ी उनके पर्सनालिटी के हिसाब से जो है वही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस गाने में हमने किसी सुपरस्टार के लिए गाना नहीं गाया है, ना तो हमारी आवाज़ें, हाँ लेकिन बकरे की आवाज में यहाँ पे ओनली म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक चल, यहाँ पे फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं, हम लोगों को इच्छा है ना डायरेक्टर नो वन हैज प्लेड एनी स्मॉल पार्ट, सॉरी हम तो बकरा, हम लोग सब स्मॉल पार्ट्स बिग पार्ट्स में म्यूजिक नहीं। उन्होंने जो है बहुत सारे जो कहावतें हैं हिंदी में उसको लेकर बदल के हल्का सा व्यंग किया है ना, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे आप जानते ही हो है ना, भैंस के आगे बीन बजाना है ना, सॉरी अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारे भैंस के आगे बीन बजाना, ये सब उन्होंने लेकर एक ऐसा गाना बनाया है जिसका आइडिया मेरे ख्याल से ये था कि भाई देखो हम सबको जो हम इलेक्शन में जो वोट वोट देते राजनीतिक वाले लोग हमारी ले रहे हैं, हमारी जान ले रहे हैं और हम हर बार चले जाते हैं यार ले यार मार दे कुल्हाड़ी है, पैर अनाड़ी ढूंढे कुल्हाड़ी की भैया आज आ जा तू आ गया चल तेरे को दे देता हूँ, तू आ गया तेरे को दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आइडिया था मेरे ख्याल से उनके ये गाने का।